हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बिजी बीज, दिस इज हिताशी। और अभी बज रहे सुबह के 7:15। तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी, सोते सोते 1:15 हो गया था, इसलिए फिर सुबह 6:30, तो छोड़ो 6:30 के बाद भी नींद नहीं खुल रही थी, लेकिन अभी 7:15 हो रहे हैं। तो ज़्यादा देर घर पे सोते हैं तो घर को लगता है कि पता नहीं है तो क्यों ही सो रहे हैं, तो उठा देते हैं ज़बरदस्ती, वरना शायद मैं 7:30 बजे उठ जाती अपने आप, पर घर को ने 15 मिनट पहले ही उठा दिया और इसकी आलस तो अभी तक नहीं गए हैं। कितनी जोर के आंख खोल रखे तेरे को, यूं ही लग रहा आलस में एकदम ही समेट रही हूँ। तो अभी ये जो मेस्ट अप हो रहा है इसे सही करते हैं। जब रात को सोते हैं तो इतने गंदे तरीके से सोते हैं, सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है, लगता ही नहीं कि ये कमरा इतना साफ भी रहता है, और सुबह फिर से हम इसे चकाचक कर देते हैं। तो सुबह सुबह मैं करती हूँ बुक रीडिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है, और अभी फिलहाल बुक रीडिंग की जगह मैं क्लोज टेस्ट रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 5 में से 1 सवाल ऑन एन एवरेज इंग्लिश में गलत हो रहा था, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश है पूरी पूरी। तो गाइस, यहाँ से सारे गद्दे ले गए, यहाँ पे मैंने गद्दों पे चादर बिछा के बेड बना रखा था, अब यहाँ पे पलंग आएगा, तो अभी इस पे चादर बिछा लेते हैं। और ये पांडा समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूं, फिर मैंने इसको सही जगह यहाँ जचा दिया, इससे तारों का जंजाल भी थोड़ा छुप गया। और ये इसके बालक इतने सारे हैं। तो भाई, मैं अकेले नहीं पढ़ती हूँ, ये जो सॉफ्ट टॉयज हैं इनको मैं अपनी तरफ बिठाए रखती हूँ, और इनके साथ मन सा लगा रहता है, ऐसा लगता है हाँ भाई कमरे में कोई तो है। और अभी मैं कर रही हूँ जो मेरी मॉक नोटबुक है, यानी कि जिसमें मैं मॉक टेस्ट में सवाल नहीं आते वो लिख लेती हूँ, उसका रिविजन कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं टेस्ट दूंगी। और मुझे लगता है एग्जाम तक ये नोटबुक जो है ना वो मुझे रटी जाएगी, अगर कोई मेरे से सपने में भी इस नोटबुक का कोई सवाल पूछ लेगा ना मैंने बता देना है। वैसे तो अभी मुझे देना था मॉक, लेकिन मामी ने आलू के परांठे बना दिए थे और बोली पहले खाओ, तो पहले ये खा लेते हैं। अब भाई रोटी खाई बाद मॉक नहीं दिया जाता, आलू के परांठे खाने के बाद तो बात ही छोड़ दो। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और बाद में मॉक दे लूंगी। ये ढूंढ के दे रही है लेकिन इसको भी नहीं मिल रहा। मेरे से एग्जिट हो गया, वो बिना सेव हुए। अब मुझे 1 घंटे 2 घंटे फिर से लगाने पड़ेंगे। ये क्या हो गया मेरे साथ? A few moments later. तो गाइस, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे तो बिल्कुल मन नहीं है ब्लॉग डालने का, इतना एडिट किया तो सारा मेरा तो गायब हो गया। और मैं नहीं करना चाहती ब्लॉग अपलोड, लेकिन करना भी पड़ेगा, तो अब मैं और भी बेमन से ब्लॉग अपलोड करूंगी आज। ओके, टाटा बाय। तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है मेरे जैसे ने कि जब कुछ सही ना चले तो सो लेना चाहिए, और मैं जब सो के उठी तो देखो कितनी बरसात आ चुकी है। और मुझे चिंता तो अब इस बात की है कि अब मैं अपने व्लॉग को वॉइस ओवर कैसे दूंगी इतनी आवाजों में। तो अभी बज रहे 3, तो अभी पढ़ाई कर, जो बरसात है वो अभी भी आ रही है, तो मैं वॉइस ओवर तो नहीं दे सकती हूँ व्लॉग को, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, और अगर 3:30 बजे तक बरसात आती ही रही और चाहे बंद हुई तो मुझे व्लॉग में वॉइस ओवर करना ही होगा, क्योंकि उसके बाद 4 बजे तो अपलोड ही करना होता है। तो फिलहाल मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, और फाइनली कैसे जैसे मैंने मैनेज किया एंड 4:30 तक व्लॉग अपलोड कर दिया। तो अभी बज रहे हैं 5 और लाइव स्टडी का टाइम हो गया है, और अभी मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो गाइज, आज का जो मैंने मॉक दिया है उसमें मेरे आए हैं 143 नंबर। ये बहुत सही नंबर है, मैं तो खूब राजी हुई। ये पेपर है 2 दिसंबर 2022 Shift 3। तो गाइस, अभी मैं मॉक एनालिसिस कर रही थी तो मेरे को काफी खुशी हुई, क्योंकि जो आंसर 7% लोगों ने सही किया उसमें से मैं भी थी। तो इस सवाल को सिर्फ 7% लोगों ने सही किया, और मुझे लगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने इस सवाल को सही कर दिया, बट फिर मेरा ये सवाल गलत हो गया जो कि 88% लोगों ने सही किया था, और इसके अंदर थोड़ा सा मेरे से भूल चूक हो गई और 21A था इसका आंसर। तो पहले मैं खुश हो ली, फिर मैंने दुख मना लिया। तो गाइज, अभी बज चुके हैं 8:15 और चलते हैं नीचे, इट्स डिनर टाइम। एंड डिनर करने के बाद में, थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद में, मतलब थोड़ा घूमने फिरने के बाद में फिर से पढ़ाई करेंगे। तो खाना खाने के बाद में, थोड़ी देर टहलने के बाद में, अभी मैं आ चुकी हूँ स्टडी टेबल पे, और जो मेरा मॉक था वो पूरा एनालिसिस नहीं हुआ था उसका, तो अभी मैं उसका पूरा एनालिसिस कर रही हूँ। तो गाइज, रीजनिंग का जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो उसमें मेरा एक सवाल गलत हो गया, और वो सवाल इसलिए गलत नहीं हुआ कि मुझे आता नहीं था, सही आंसर निकालने के बाद भी मैंने पता नहीं कैसे गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। और अभी बच रहे 10:00 एंड अभी मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में से सवाल है वो गलत हो गया था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि 2-3 दिन पहले ही तो मैंने उसको रिवाइज किया था और फिर भी गलत हो गया सवाल, तो इसलिए अभी मैं वापस से उस चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ। फिर मैंने लगाया ध्यान, जो कि मुझे बहुत प्रोडक्टिव रखता है। आज भी जो टाइपिंग स्पीड है वो 32 वर्ड पर मिनट आई है, पता नहीं है धीरे धीरे कम क्यों हो रही है पढ़ने के बजाय। और रात को 11 बजे मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स मैं कर रही हूँ फरवरी 2023 के। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है।
तो आप लोग मेरे से बहुत पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से करती हूँ। तो ये वाली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, ये मुझे करियर विल ऐप पे मिलती हैं फ्री में, क्योंकि अगर वहां पे आई थिंक ऐसा है कि अगर किसी ने करियर विल पे कोई भी कोर्स परचेस कर रखा है तो ये जो पीडीएफ्स हैं वो फ्री मिलती हैं। और जो यूट्यूब पे चैनल है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, उस पे जब सर करंट अफेयर्स कराते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में भी पीडीएफ का लिंक होता है, बट मेरे से वो लिंक ओपन नहीं होता, इसलिए फिर मैं ऐप पे जाके वहां से फाइल डाउनलोड करती हूँ। बजने वाले हैं 12 और मैं कर रही हूँ वो कैब, और वो कैब के अंदर मेरा फेवरेट पार्ट है ईडीएम एंड फ्रेजेस, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। आपका फेवरेट पार्ट क्या है? तो गाइस आज की पढ़ाई हुई कंप्लीट और अभी चलते हैं नीचे, और ये बुक मैंने ले ली है क्योंकि सुबह उठते इस बुक को पढ़ना होता है तो ऊपर आने में आलस आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।